हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं बिहारी कढ़ी, जिसको जिसके लिए मैंने हाफ बॉल बेसन को ले लिया है। अब इसमें हम मसालों को ऐड करेंगे। हाफ स्पून हल्दी पाउडर, हाफ स्पून मिर्ची पाउडर और इसमें हाफ स्पून काली मिर्च जीरा मिक्स करके हम इसमें डाल देंगे हाफ स्पून। और नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए, फिर इसे इसमें हम थोड़ा पानी डालकर अपने हाथों से अच्छी तरह से मिला देंगे, जब तक कि ये फ्लफी ना हो जाए। उसके बाद हम इसमें प्याज को ऐड करके पकौड़े बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पकौड़ों के लिए बेसन तैयार हो गया है। अब इसमें प्याज को ऐड करके और इसे हम छान लेंगे। गैस पर रखा मैंने कढ़ाई, कढ़ाई में तेल और साइड से हम पानी को गरम कर लेंगे, जिसमें कि हम पकोड़े को डालेंगे। उसमें पकोड़े डालने से फ्रेंड्स पकोड़े बिल्कुल नरम बनते हैं, नरम और मुलायम, और ये कढ़ी में जाकर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। पकोड़ों के बीच में ज़रा सा भी लम्स नहीं रहेगा फ्रेंड्स, बिना सोडा और बिना बेकिंग पाउडर का। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसको एक बार बना कर देखिए फ्रेंड्स। ये मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको ये कढ़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और इसमें का पकौड़ा तो और भी ज़्यादा पसंद आएगा। ये देखिए, ये तेल में ही हमारा फुला फुला जैसा दिखेगा। अब इसे हम निकाल कर पानी में डाल देंगे। अब आइए हम कढ़ी के लिए बेसन का घोल बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हाफ बॉल हम बेसन ले लेंगे और इसमें 400 ग्राम हम दही डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और फिर इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक, फिर काली मिर्च जीरा पाउडर हाफ स्पून, मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा फ्रेंड, ज़्यादा या कम जैसा आप खाते हो, हाफ स्पून हल्दी पाउडर, फिर इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम अच्छे से इसे मिला देंगे। अब इसमें हम पानी को ऐड करेंगे। हाफ बॉल बेसन के लिए हम मेजरमेंट रखेंगे 3 बॉल। पानी को पहले हम 2 बॉल पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर हम जब कढ़ाई में डालेंगे तो देख लेंगे हमारा गाढ़ा सा हो रहा है घोल या फिर पतला सा, तो फिर हम 1 बॉल डाल देंगे, तो हमारा 3 बॉल पूरा हो जाएगा। ये देखिए हमारा, मैंने गैस पर रखा कढ़ाई, कढ़ाई में तेल को डाला। अब इसमें हम तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए हमने डाला जीरा, थोड़ा सा मेथी दाना और इसमें 2 लाल मिर्च, खड़े लाल मिर्च को डालेंगे। इसे थोड़ा चला लेंगे। फिर इसमें हम लहसुन को काट कर रखे हैं वो डाल देंगे। 1 चम्मच भर कर लहसुन डालेंगे। इसमें लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स कढ़ी में। और इसे चला लेंगे। अब आइए हम कढ़ी पत्ते को डालते हैं फ्रेंड्स। कढ़ी में कढ़ी पत्ते बहुत ही अच्छा लगता है। आप ऐसे करके बनाइएगा, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड्स। अब इसमें हम घोल को डाल देंगे। ये देखिए घोल हमारा गाढ़ा जैसा लग रहा है, तो इसमें अभी ही 1 बॉल डाल देंगे पानी, क्योंकि बाद में डालेंगे फ्रेंड्स तो कढ़ी हमारा फट सकता है। तो इसमें 1 बॉल और पानी को हम डाल देंगे और इसे तब तक चलाएंगे जब तक कि हमारे कढ़ी में बॉयल नहीं आ जाता, क्योंकि पहले छोड़ने पर ना कढ़ी हमारा फटने का डर रहता है। इसीलिए जब तक बॉयल नहीं आ जाता हम इसे चलाते रहेंगे। जब जैसे ही बॉयल आ जाएगा हम इसे मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। ये कढ़ी हमारा पकते रहेगा। कढ़ी को अच्छी तरह से पकाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। ये देखिए, मैं इसे 10-15 मिनट अच्छे से पकाऊंगी। पकने के बाद भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमारा कढ़ी कैसा बन गया। और ये देखिए हमारा कढ़ी रेडी हो गया फ्रेंड्स। अब हम इसके ऊपर से तड़का लगाएंगे, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला। आप इसमें थोड़ा सा हींग भी डाल देना फ्रेंड्स, मैं डालना भूल गई थी। अब इसमें गार्लिक डालूंगी और थोड़ी सी कसूरी मेथी अब डालूंगी और थोड़ी सी काश्मीरी मिर्च डालूंगी।
ये देखिए हमारा लहसुन का कलर गोल्डन हो गया। अब इसमें थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च और थोड़ी सी कसूरी मेथी को डालकर इसका हम तड़का लगाएंगे कढ़ी के ऊपर, फिर हम आपको सर्व करके इसे हम दिखाएंगे कि कढ़ी हमारा कैसा बना। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा कढ़ी बनकर रेडी है, इस पर मैंने तड़का को डाल दिया है। अब इसे हम बॉल में सर्व करके आपको दिखाएंगे। ये देखिए कढ़ी हमारा देखने में कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और आइए हम बड़ी को दिखाते हैं। देखिए अंदर में ये पकौड़ा बिल्कुल अच्छे से हो चुका है फ्रेंड्स। बिहार में इसे हम बड़ी बोलते हैं। इसे अच्छी तरह देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी लम्स नहीं है, ये बिल्कुल फ्लफी बना है, फूल गया है बढ़िया से।